जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा अंतर्गत गांव हसेरा में तमाम यहां निकलने में रोड नहीं थे गांव के लिए, तो पूरा गांव में रोड हो गए और नहीं नाली कंप्लीट है, कहीं नाली की कोई समस्या नहीं है पूरे गांव में, रोड भी सीसी पक्के हो गए। गरीब असहाय मजदूर के लिए जो एक परिवार के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए, सरकार सारी निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, तो ये सब हवा हवाई बातें दिखी जा रही हैं, दावे दिखे जा रहे हैं या बाकी में धरातल पर उतरती हुई दिखे जा रहे हैं? ये बिल्कुल धरातल पर उतर रही, और जो गांव में रहने के लिए आदमियों को जगह नहीं थी, आज चले जाओ पूरे गाँव में हर आदमी के लिए पक्का आवास है और आदमी चैन से रह रहा है, किसी के पास एक भी आदमी नहीं जिसके पास पक्का मकान नहीं हो। आदमी के लिए रहने की व्यवस्था तो हो गई, अब कुछ रोजगार की व्यवस्था के उसमें लगे हुए हैं, तो अब चर्चा चल रही है और अपना गांव उसमें हसेरा तो लग गया है, तो हर आदमी के लिए पशुपालन के लिए बकरी पालन के लिए कुछ कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हो रही कि हर आदमी को कुछ सरकार की तरफ से मिल जाएगा तो अपने धंधे में भी लग जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम पहुंच चुके हैं आज जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा अंतर्गत गांव हसेरा में और हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं, और जैसे हमने आपको पहले तमाम क्या कुछ हकीकत गांव की दिखाई देखी जा रही है वो हमने आपको बताया, किस तरह वहां पे जो सड़कें हैं वो हालात वहां पे देखी जा रही है वो हमने आपको बताया। आज हम ग्राम पंचायत हसेरा में पहुंचे हैं, हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं। आज हम जानेंगे क्या कुछ यहाँ की वर्तमान स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है, पहले क्या स्थिति यहाँ पे देखी जाती है, किस तरह इन्होंने 2 साल से भी ज्यादा समय में इन्होंने गाँव की सूरत बदलने का काम किया है और आगामी क्या कुछ नतीजे वो भी आज हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। क्या नाम है भाई साहब आपका? छत्रपाल सिंह जी। अगर अभी हम वर्तमान हालातों की बात करें, जैसे सड़कें हो गई, नाला नालियां हो गई, साफ सफाई व्यवस्था हो गई, सरकार इन सब पे लगातार जोर देने का काम कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, तो आज जैसे कि आप गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं, गांव की एक जिम्मेदारी भी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि गाँव में सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं लागू करने में उनका सहयोग प्रदान करें, तो किस तरह वो धरातल पर उतारी जा रही है? तमाम यहाँ निकलने में रोड नहीं थे गांव के लिए, तो पूरा गांव में रोड हो गए और नाली कंप्लीट है, कहीं नाली की कोई समस्या नहीं है पूरे गांव में, रोड भी सीसी पक्के हो गए। साफ सफाई अगर बात करें तो सरकार इस पर भी लगातार जुड़ी है, यहाँ तक कि गांव में सफाई कर्मी भी उपलब्ध कराती है। सफाई कर्मी आते हैं, काम कर रहे हैं वो, और गंदगी का कोई समस्या नहीं है। अगर हम बात करें जैसे जो गरीब असहाय हैं, वो जो मजदूर है, एक गरीब परिवार होता है, उनको सरकार राशन उपलब्ध कराने का भी लगातार काम कर रही है, निःशुल्क भी अब तो उपलब्ध करा रही है, तो वो क्या कुछ अभी स्थितियां दिखी जा रही? राशन कार्ड में समस्याएं आ रही हैं, राशन कार्ड जो पिछले बने थे वो काट दिए गए हैं और कुछ अंत्योदय कार्ड भी इसका नाम का उसको कर दिया गया कुछ। अच्छा, बाकी अगर राशन वितरण को लेके क्या कुछ है? राशन वितरण तो हो रहा है, जो आ रहा है तो हो रहा है। तो जैसा कि भाई साहब ने कहा, प्रधान प्रतिनिधि जी ने कहा कि राशन कार्ड को लेके समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होते हुए यहाँ पे देखी जा रही हैं, और ये जो समस्या काफी लंबे समय से हर गांव में लगभग बनी हुई देखी जा रही हैं, जबकि ये नजारा हम भी आपको दिखा रहे हैं कि कई गांव में ऐसी समस्याएं देखी जा रही हैं राशन कार्ड को लेके, जो गरीब असहाय जो पात्रता की श्रेणी में व्यक्ति आ रहा है उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। कारण यह बताया जा रहा है कि उनका राशन कार्ड नहीं होने के कारण इन योजनाओं का लाभ नहीं लोग ले पा रहे, और जगह जगह यह भी मांग की जा रही है कि जिस तरह किसान सम्मान निधि के लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, उसी तरह राशन के लिए भी गांव-गांव में कैंप लगाए जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और यह जांच की जाए कि कौन कौन से लोग पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं, क्या जो बाकी में अभी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं क्या वो अभी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, ये भी यहाँ पे काम होना चाहिए भाई साहब? जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम पेयजल व्यवस्था की बात करें तो सरकार इसके लिए भी लगातार जोर दे रही है, हेडपंप लगाने का काम कर रही है, तो घर हर घर जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत पानी पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है, वो क्या स्थितियां देखी जा रही है? अभी लाइन डल गई, कुछ अभी बाकी भी है और अभी पानी चालू नहीं हुआ है, रोड जो कुछ उखड़ गए थे कुछ बन गए, थोड़े बहुत रह भी गए अभी, तो कहीं कहीं ये स्थितियां अब ठीक होने भी लगी हैं, और कहीं कहीं अगर हम बात करें तो वहां पे तो सड़कों की हालात काफी खराब भी देखी जाती है, अगर और गांव की अगर हम बात करें, लेकिन कहीं कहीं अगर इस गांव की अगर हम बात करें हसेरी में तो यहाँ पे भी सड़कों का जो निर्माण वो होना चालू हो चुका है, लाइन भी कहीं कहीं चालू होते हुए भी यहाँ पे बताई जा रही है। अगर हम बात करें शिक्षा की, सरकार कह रही है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा, तो ये योजना किस तरह यहाँ पे सफल होते हुए देखी जा रही है, क्या बाकी में सफल हो रही है? अगर शिक्षा की बात करें तो क्या कुछ
स्थिति देखी जा रही है अध्यापक बिल्डिंगों को लेकर विद्यालय की जो होती है? विद्यालय की बिल्डिंगें बड़ी चमाचम है। अब जो पहले बनी वो थोड़ी जायजा स्थिति में बनी थी, मतलब लैंटर उनका पतला है इसलिए बरसात में चूमते हैं, उनको लेके मरम्मत करा दी गई है, हमने करवाया है, पूरे में टाइल्स लगवाई, चार विद्यालय हैं हमारी पंचायत में, चारों विद्यालय में टाइल्स हो गई, शौचालय भी बन चुके, बस जाएगा उनकी बिल्डिंग थोड़ी पतली है इसलिए उन पर वही समस्या है। बाकी जैसा कि भाई साहब ने कहा, प्रधान प्रतिनिधि जी ने कहा कि पहले एक समय पहले जो जर्जर बिल्डिंग हो गया करती थी, आज हमने उनको मजबूत करने का काम किया है, जो पहले पानी चूता था उनको भी हमने आज मजबूत करने का यहाँ पे हमने काम किया है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि तालाबों की, शमशान घाटों की, तो ये क्या कुछ स्थितियां यहाँ पे दिख रही है? शमशान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है अभी और न घाट के लिए है। शमशान घाट नहीं बनाया गया अभी? नहीं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर हम जनसंख्या की बात कर ले, वोटों की बात कर ले, कितनी क्या यहाँ पे है वोटिंग? वोटिंग यहाँ 1,500 है पूरी पंचायत की। अगर हम बात कर ले स्वास्थ्य की, तो वो क्या कुछ यहाँ पे देखी जा रही? स्वास्थ्य की व्यवस्था है कुछ ठीक नहीं है। पहली बात तो यहाँ 14 किलोमीटर दूर है अस्पताल CSC, और वहाँ भी कोई गांव में है आपके? नहीं है? नहीं, गांव में नहीं है। तो क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना? नहीं, होना चाहिए, जगह भी डली है। अच्छा, नहीं होने से क्या समस्या उत्पन्न होती है? दिक्कत होती है आदमी को, 14 किलोमीटर जरूर जाना पड़ता है। अगर किसी की कोई इमरजेंसी आ जाए तो व्यक्ति को 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, और यहाँ तक कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी लगातार जोर देने का काम कर रही है, लोगों को गाँव में ही उपचार हो सके इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बीच में होना हो कहीं ना कहीं कोई की लापरवाही या कमी के कारण वो चीजें सफल नहीं हो पा रही हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 14 किलोमीटर की दूरी तय करना कितना चुनौती भरा होता होगा, आप खुद अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। सरकार गरीब असहाय को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही है, निःशुल्क घर देने का काम कर रही है, निःशुल्क शौचालय भी देने का काम कर रही है, पेयजल व्यवस्था भी निःशुल्क करने का काम कर रही है, मजबूत सड़कें देने का भी काम कर रही है, शिक्षा भी निःशुल्क देने का काम कर रही है, और जो एक गरीब असहाय मजदूर के लिए, जो एक परिवार के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए, सरकार सारी निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। तो ये सब हवाई बातें देखी जा रही हैं, दावे देखे जा रहे हैं, या बाकी में धरातल पर उतरते हुए देखे जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल धरातल पे उतर रही, और जो गांव में रहने के लिए आदमियों को जगह नहीं थी, आज चले जाओ पूरे गांव में हर आदमी के लिए पक्का आवास है और आदमी चैन से रह रहा है, किसी के पास एक भी आदमी नहीं जिसके पास पक्का मकान नहीं हो। अच्छा, अगर अभी हम बात करें वर्तमान में कि अभी ऐसे कितने प्रतिशत लोग रह गए हैं जो आज भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनको आवास बनना बाकी है, उनका आवास आगे बनवाना है? ऐसे कुछ जैसे 4 भाई है तो 4 में से 1 का बन गया, आगे 2 का बन गया, तो वो एडजस्ट तो करे हैं, लेकिन अगर आवश्यकता है तो 2 की और है अभी। शौचालय की क्या कुछ स्थितियाँ? शौचालय सबके लिए, हर घर में शौचालय है, ऐसी कोई घर बाकी नहीं जिसकी शौचालय नहीं हो। आगे और क्या प्लान है? आपने 2 साल का अपने कार्यकाल बताया, जैसा कि आपने कहा कि जो काम पहले नहीं हो सके, जो आपने अभी 2 साल में आपने जैसा कि बताया कि मजबूती यहाँ हमने करवाई, आगे क्या प्लानिंग है? अभी 3 साल भी अभी बाकी है आपके पास, तो बाकी क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ आगे जो लक्ष्य है आपका? जी, लक्ष्य है कि अब आदमी के लिए रहने की व्यवस्था तो हो गई, अब कुछ रोजगार की व्यवस्था के उसमें लगे हुए हैं, तो अब चर्चा चल रही है और अपना गांव उसमें हसेरा तो लग गया है, तो हर आदमी के लिए, पशुपालन के लिए, बकरी पालन के लिए कुछ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो रही कि हर आदमी को कुछ सरकार की तरफ से मिल जाएगा तो अपने धंधे में भी लग जाएंगे। राशन, घर, पानी, शौचालय, और अगर हम बात करें सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ लोग रोजगार की भी मांग कर रहे हैं, तो सरकार इस पर भी लगातार काम कर रही है, और यहाँ तक कि सरकार लगातार प्रयास करेगी लोग अपने क्षेत्र में रोजगार पा सके, स्वरोजगार भी करे, इसके लिए भी लगातार सरकार प्रयास कर रही। तो ये प्रधान जी ने भी बताया, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि वो भी अब प्रयास कर रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, लक्ष्य अपना कर रहे हैं, किस तरह लोगों को अपने ही क्षेत्र में उनको रोजगार मिल सके, इसके लिए भी वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। हम अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए क्या कुछ अभी सुविधाएं सरकार द्वारा भी देखी जा रही हैं, और आपके द्वारा कितना क्या कुछ प्रयास आप किसानों के लिए भी कर रहे हैं? किसानों के लिए एक समस्या हो गई, एक सत्यापन होगा था आज से 2 साल लगभग भेजा रहे, तो सत्यापन में किसी का गाँव गलत हो गया, किसी का आधार या जो भी हो, लगभग 30-40% आदमी ऐसा है जिनको कुछ 2-3 दिन किस्तें मिली PM किसान की,
और अब वो बंद हो गई। तो आदमी ऑनलाइन करा करा परेशान होगा, 3-4 बार। तो सरकार ने गांव-गांव में कैंप लगाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका जो समस्या है उसका समाधान गांव पे ही हो सके। उसमें जो अधिकारी लगाए गए थे कर्मचारी, उन्हें सही रुचि नहीं ली, आए एक आध जगह बैठ के और फॉर्मेलिटी करके चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार तमाम प्रयास कर रही है, जो किसान हैं उनको जो किसान सम्मान निधि मिल सके इसके लिए भी प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत सारे दावे भी फेल होते हुए यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर केवल जो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत काम किए जा रहे हैं वो भी एक ही जगह समट कर रह जा रहे हैं, केवल खाना पूर्ति की जा रही है यहाँ पे कार्रवाई के नाम पर। लेकिन अगर धरातल पर बात करें तो रिजल्ट जीरो निकल कर आ रहा है, केवल यहाँ पे खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि किसान असंतुष्ट यहाँ पे देखे जा रहे हैं, जैसे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी का कहना है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे और गांव के अंदर भी ले जाने का प्रयास करेंगे, वहां पे क्या कुछ हकीकत तो नजारा देखा जाता है, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना रहेगा वो भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी के साथ खास बातचीत थी, जैसा कि उन्होंने तमाम समस्याओं पर अपने सुझाव रखे, आगे का लक्ष्य भी उन्होंने रखा, किस तरह वो समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम कर रहे हैं, किस तरह व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का वो काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लगातार, ये भी उन्होंने बताया। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जगह लेके चलेंगे, बाकी तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।